तो जी बड़ी मुश्किल से इसको एडजस्ट किया है, तो आपको नहा के दिखाता हूँ। कैमरा बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हुआ है, तो अभी नहाता हूँ फिर आपको क्लिक दिखाता हूँ। तो चलिए जी नहा के मैं आ गया हूँ। बहुत ही ठंडा पानी है, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था। अभी कज़न मेरा इंतज़ार कर रहा है, उसने नहाना है, तो यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ। अभी कपड़े पहन लूँ तो आपको मैं बैक लुक दिखाता हूँ फिर किस तरह ये फीडर चल रहा है। तो जी मैं नहा के आ गया हूँ यार। वहाँ की बहुत ठंडा पानी था, सर्दियाँ थी ना, तो ये जब फीटर चलता था तो हम बहुत दूर भाग जाते थे, क्योंकि ठंड होती थी ना, कहीं पानी में पाँव ना चला जाए, तो इसलिए ना हम थोड़ा दूर भाग जाते थे। तो अभी गर्मी है तो इसमें नहाया हूँ। तो यार ये असल में पानी की ठंडी वजह होने का मेन जो है ना, मेन वजह उसकी ये है कि ये बाग है, चारों तरफ ये बाग है। चारों तरफ बाग के होने की वजह से इसमें पानी इतना ठंडा होता है कि 5 मिनट से 6 मिनट बंदा नहीं नहा सकता। तो यार VIP किस्म का यार मज़ा आया, VIP किस्म की जो है ना जगह है। तो कोई भी दोस्त मेरी वीडियो देख के यहाँ पे नहाने के लिए आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। मैं ख़ास तौर पे उनको मदद करता हूँ, मैं फीटर चलाऊँगा, तो आ सकते हैं आप यहाँ पर नहा सकते हैं। पीछे देखें गंदों में। अभी मेरी सोच थी कि नहाने वाला क्लिप मैं बाद में डालूंगा, लेकिन नहाने वाला क्लिप क्योंकि अभी मुझे पहले डालना पड़ेगा, मेरा मूड नहीं था नहाने का। मेरा कज़न आ गया अचानक से, तो उसने नहाना था तो वो अचानक से ना आ गया कि मैं नहाता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि भाई ये कपड़ा मुझे दो, उसको लुंगी कहते हैं हम तरक्की में, लुंगी लुंगी, मैंने कहा मुझे दो ये, मैं बांध के मैं नहा लेता हूँ, तो आप जो है ना बाद में नहाना। तो उसने जी मुझे दे दी, पहले मैं नहा लिया फिर मैंने उसको दे दिया, वो नहा रहा है। तो वो कहता है, थोड़ी सी मैंने आपको पहले बताया कि हमारे विलेज में थोड़ी सी प्राइवेसी है, थोड़ी सख्ती है व्लॉगिंग के ख़िलाफ़, यानी कि व्लॉगिंग को छोड़ दें, व्लॉगिंग एक अलग चीज़ है, यानी कि मोबाइल को हाथ में उठा के वीडियो नेट पे डालने के ख़िलाफ़ थोड़े हमारे जो बड़े हैं वो सख्त हैं। तो ये देखें, ये मुझे झुक के यहाँ से गुजरना पड़ता है, ये मैं झुक के यहाँ से गुजर रहा हूँ, ये मैंगो के दरख्त हैं, ये देखें ये वाटर है, वाटर के नज़दीक से मुझे गुजरना पड़ता है, और सामने जो सूरज की लाइट आंखों में लग रही है ना, बड़ी तेज़ लग रही है। तो ये चारों तरफ आपको बागात दिखाई दे रहे हैं, मेन वजह ये भी है
के ट्यूबवेल का पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। मैं भी नहा के आया हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि भाई कितना ठंडा है, बहुत ही VIP किस्म का ठंडा है। तो मैं अचानक निकला हूँ घर से, मैंने कहा अपने व्यूअर्स को दिखाता हूँ कि गंदम की कटाई जो है ना वो शुरू हो चुकी है और जल्द मशीन आएगी तो गंदम की कटाई के बाद जो दाने हैं उनको अलग किया जाएगा। गंदम जिसको कहते हैं, हम उनको कहते हैं दाने, जो उसमें से बारीक निकलती है आप उसको गंदम कहते हैं, हम उनको दाने कहते हैं। फ्रैकिंग में हमने उसको अलग करना है, उसके पास एक कुआं, फ्रैकिंग में उसको कहते हैं भूसा, उर्दू में भूसा कहते हैं, फ्रैकिंग में उसको भों कहते हैं, भों जो कि भैंसों का चारा होता है ख़ास तौर पर वो बनता है, तो वो अलग करते हैं। तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से मशीन जो है ना गंदम अलग निकालती है और भूसा अलग निकालती है। तो इस क्लिप का यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मुझे सपोर्ट करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर चुके तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, इस तरीके की मज़ीद अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी। और पीछे से आपको शाइनिंग कैसी आ रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसे हो सब दोस्त बहन भाई, सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको गंदम की कटाई मैं दिखाऊंगा। गंदम बिल्कुल पक के तैयार है, पीछे आपको ये दरख्त नज़र आ रहे हैं। हमारे एरिया में फर्स्ट लोकेशन और बेस्ट लोकेशन फैज़ाबाद जो कि मशहूर है, ये पीछे आपको नज़र आ रहा है। तो गंदम की कटाई है वो आपको दिखाता हूँ, चलते हैं बैक कैमरे की तरफ और देखिए गंदम की कटाई। तो जी ये आप देख सकते हैं, ये गंदम की कटाई हुई पड़ी है। इस दफ़ा गंदम हाथ से काटी गई है, ये आप देख सकते हैं इसको हाथ से काटा गया है क्योंकि जो ज़ालाबारी हुई थी उसके बाद ये काफ़ी सारी गिर गई थी, जिसके बाद इसको हाथ से ही काटना पड़ा, जो कि काटने वाले अभी तक भी काट रहे हैं। तो थोड़ी प्राइवेसी है, फैमिलीज़ वगैरह होती हैं उनकी, तो वो काटने का सीन आपको नहीं दिखा सकता। अगर ऐसे पॉसिबल होता तो आपको दिखाता। और ये आप देख सकते हैं ये इसमें दाना है, ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। तो आगे आपको मैं दिखाता हूँ, इसको मैं खा के देखता हूँ कि उसकी क्या सिचुएशन है। तो ये जी बिल्कुल पक गया है, कुछ दिनों पहले मैंने चेक किया था वो कुछ कच्चा था। ये अभी कुछ साइड आपको नज़र आ रही है, ये भी इसकी कटाई करेंगे, ये इस हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से बंदे बैठते हैं उस हिसाब से कटाई होती है। इस साइड पर मैंने आपको ये गन्ने का फसल है वो दिखाया था जो कि काश्त किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ निकल आया है और कुछ दिनों तक ये बिल्कुल काफ़ी सारे साइज़ में निकलेगा और इसका कद माशाल्लाह अच्छा होगा। इस दफ़ा ये अच्छी फसल में आ रहा है, अच्छा वज़न ये देगा। तो ये आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको पूरी साइड में नज़र आ रहा है, यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ भी नज़र आ रहा है, और वो जहाँ पे मैं बैठा हुआ था वो पीछे आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, वो सफ़ेदों के दरख्त हैं, इसको फैज़ाबाद कहते हैं। ये आप साइड देखें, ये टोटल गन्ने की फसल है। तो इस साइड की बात करते हैं, आपको आगे दिखाता हूँ मैं गंदम। ये देखें मुझे धूप में चलना पड़ रहा है आपको वीडियो क्लिप दिखाने के लिए, और आज काफ़ी तेज़ धूप थी जिसको कहते हैं कि तेज़ धूप, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, 55 यानी कि 55 डिग्री यहाँ पे गर्मियों में जाता है जो कि बहुत ही हाई होता है हमारे लिए, लेकिन हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, इतनी बर्दाश्त लानी पड़ती है और हम लाते हैं क्योंकि सर्दी हो या गर्मी हो माहौल के अंदर ढलना पड़ता है, जो कि हमारी रिहाइश है, जो हमारी जगह है उस पर हमने रहना है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं वो हमने निभानी है। तो मेरे एरिया में आपको कुछ चीज़ें बता दूं, मैं एज ए यूट्यूबर एक चीज़ समझता हूं कि मेरे एरिया में इस चीज़ को आना चाहिए, इस फील्ड को, और यहां पे काम करना चाहिए यूट्यूब पे। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, अगर मैंने आज मोबाइल में हाथ उठाया हुआ है तो मेरे एरिया में ये चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती। वो कहते हैं देखें इसका दिमाग पागल हो गया है, ये चकरा गया है, सारा दिन ये बक बक करता रहता है, वीडियो बनाता रहता है। यहाँ हमारे एरिया में इस नेचर के लोग रहते हैं,
और वो आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं, इसकी कटाई हो रही है। तो फैमिलीज हैं जो कटाई करते हैं, तो इस वजह से मैं उनको वीडियो क्लिप नहीं दिखा सकता। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये कटी हुई है, इसकी कटाई देखें बिल्कुल लाइन में कटी हुई है। ये देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी कुछ शायद इसकी कटी हुई है। वो मेरे ख्याल में कुछ सीधी थी तो मशीन से काटी गई है, ये हाथ से काटी गई है। ये हाथ की कटाई लग रही है और है भी हाथ की कटाई, तो दूसरी मशीन की है। ये हाथ से इसलिए काटी गई है कि झालाबारी के नतीजे में ये काफ़ी सारी गिर गई थी। ये टोटल आप साइड देखें, ये हाथ की कटाई मुझे नहीं दिखाई दे रही। ये तकरीबन ये मशीन की कटाई है। यहाँ पे मशीन आई होगी जिससे इसकी कटाई की गई होगी, ये आप देख सकते हैं। ये साइड भी हमारी है और ये साइड भी हमारी है। ये वो साइड है, आपको हर वीडियो में बताता हूँ, जहाँ पिछली वीडियो में गन्ने की कटाई हो रही थी और गन्ने की कटाई में काफ़ी सारे मजदूर थे। सुबह सुबह का टाइम था, सर्दियों के दिन थे, तो इसमें हमने एडवांस गंदम काश्त कर दी थी जो कि पक भी एडवांस में गई है। तो ये आपको नज़र आ रही है, आप ये देख सकते हैं। और मुझे YouTube से हकीकत पूछें, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे आप सब दोस्तों से जो उम्मीदें थी, जो रिस्पांस मुझे चाहिए था, वो नहीं मिल रहा यार। देखें, मैं एक नेचुरल चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें, मैं इसमें आपको कुछ गलत नहीं दिखा रहा। और जिस चीज़ के लिए मैं कतराता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी की ज़ात को, किसी को बुरा भला कहूँ या किसी को गालियाँ निकालूँ। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती बज़ाते खुद, और मैं दूसरों को भी यही कहूँगा कि किसी को रिजेक्ट ना करें। अगर ये मेरी वीडियो किसी को रिजेक्ट करने की होती या किसी को गालियाँ देने की होती, तो आप सब पूरी की पूरी वीडियो देखते कि भी आगे मुझे कौन सी गाली देने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला ने इतना ज़हन दिया है कि अगर मैं किसी के साथ बुरा करूँगा तो मेरे साथ भी बुरा होना है, तो लिहाजा मैं किसी का बुरा नहीं चाहूँगा। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट करें। देखें, ब्लॉगर्स हैं काफ़ी सारे और भी हैं, लड़कियां लेके आते हैं, लड़कियों के साथ बनाते हैं, हर बंदे का अपना ट्रेंड है, अपने तरीके से, जो अगर उनको ये चीज़ शोभा देती है वो करते हैं। मैं कोई हकदार नहीं हूँ उनके बारे में कुछ कहने का, लेकिन एक चीज़ मुझे अफसोस लगती है कि जो हम रियल चीज़ दिखा रहे हैं, ये देखें, ये जो हम दिखा रहे हैं वो चीज़ वो नहीं दिखा सकते। ठीक है, वो उठते हैं सुबह को, नाश्ता बनाया, आपको दिखा दिया, लेकिन आप देखते हैं कि जब लड़की साथ में है तो आप उनका पूरे का पूरा व्लॉग देखते हैं। जब बात आती है हमारे व्लॉग की, हम आपको एक अच्छी चीज़ दिखाते हैं कि भाई विलेज में क्या चीज़ है, मक्खन, घी, देसी चीज़ें, हर चीज़ आपको वो दिखाते हैं जो बिल्कुल देसी है, प्योर है, लेकिन आप उसको नहीं देखते। अगर इसी व्लॉग को एक लड़की कर रही होती तो मेरे ख्याल में उसको जो है ना, तो 2 से 3 लाख या 5 लाख या 1 मिलियन तक आपने व्यू दे देने थे। ये मेरी जो है ना सबसे रिक्वेस्ट है कि जो बंदा मेहनत करे व्लॉग में। देखें, मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, यहाँ पे मेरे इलाके में पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, उनको मैं पीठ पीछे छोड़ के ये व्लॉग बनाता हूँ, उसके बाद भी मुझे 50, 60 या 30, 35 का रिव्यू मिले तो मेरे ऊपर क्या असर होगा आप देखें। और ये आप देखें, सूरज देखें, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो ये आप देखें, इसकी तपिश देखें, इसकी तपिश से ही ये गंदम जो है ना पक्की है। जो मैं इतनी धूप में आकर ये व्लॉग बना रहा हूँ, आप देखिए मेरी इसमें कितनी मेहनत होगी। लिहाजा हमारा भी दिल है, हम भी इंसान हैं, तो कोशिश करें, सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस सपोर्ट की ज़रूरत है। जो दिल में था मैंने बिला झिझक कह दिया। अब ये देखें पानी, ये ट्यूबवेल चल रहा है उधर, तो आपको पानी दिखाते हैं। ये नया दूसरा ट्यूबवेल लगा है, वो वाला है, ये आप देखें, आपको पानी मैं दिखाता हूँ। ये लुक देखें, ये देखें कितनी गंदम की बिल्कुल कितनी कटाई हुई हुई है। ये मेरा मकसद वीडियो लंबा करना नहीं है, ना ही मुझे लंबे करने की ज़रूरत है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ एक पूरा विलेज लाइफ आपको कैप्चराइज करके दिखाऊँ। कोशिश है कि अच्छे से अच्छा आपको व्लॉग दूँ, ताकि आप आने वाली मेरी वीडियो शौक से देखें, शौक से देखें। मेरी और कोशिश नहीं होती कि मैं आप किसी को भी जो है ना बुरा भला कहूँ। अगर मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी होती है तो उसके लिए मैं आपको माजरत करता हूँ, बस मेरी यही कोशिश है आप मुझे सपोर्ट करें। कोई बहन है, कोई भाई है मेरा देखने वाला है, तो उसको मेरा व्लॉग अच्छा लगे, मेरी सबसे ज़्यादा यही कोशिश होती है। ये भी देखें, यह गन्ने की फसल है,
तो मेरा कज़न आ रहा है वो ट्यूबवेल पे नहाने के लिए, तो ये आपको बंदा नज़र आ रहा होगा, तो उधर पहुंच के मैं आपका वीडियो दिखाता हूँ उसकी, यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ।